आप लोग काफी वेट करना पड़ा क्योंकि एक तो हम लोग टेररिस्ट के बारे में कंफर्म कर रहे थे कि जो आप लोग सुबह से चला रहे हैं वही है कि नहीं है। दूसरी बात कि हमारे दो सीनियर कलीग्स हैं, इनका हम वेट कर रहे थे, इनको आने में था। तो 28th लास्ट मंथ तो मई को आप लोग से हम लोग वादा किए थे कि पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलके जो आईडी को इतना बड़ा हादसा करने जा रहा था, आप लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि भाग कैसे गया। तो मैंने बोला था कि उसको भागने नहीं देंगे बल्कि उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। आज वही हो गया। मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा, कल मॉर्निंग में एसपी पुलवामा को एक ह्यूमन यूनिट मिला था, वह श्रीनगर आया, फिर ऑप्स को प्लान किए, फिर उसके बाद वापस भेजे एसपी पुलवामा। वहाँ के लोकल आर्मी सीआरपीएफ से मिलके ऑपरेशन को प्लान किया, कॉर्डन लगाया जॉइंटली, और आज मॉर्निंग में इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। उसमें तीन टेररिस्ट मारे गए, तीनों जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। उसमें एक एफटी टेररिस्ट है पाकिस्तान का, जिसका कि आप लोगों के बहुत महीनों से, खास करके लास्ट वीक से बहुत आप लोग इंतजार कर रहे थे कब पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अब्दुल रहमान अलियास फौजी बाबा या भाई, जो मुल्तान पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान की लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 2017 से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट की पूरे साउथ कश्मीर में एक्टिव है। ये बहुत सारे इंसिडेंट में पार्टिसिपेट किया है। दिसंबर 2019 में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें कमरान मारा गया था, ये भागने में कामयाब हो गया था 2019 में। ये आईडी एक्सपर्ट भी है, और जो 28 तारीख को जो हम लोग मॉर्निंग में आईडी को जो डिटेक्ट किए थे, आर्मी सीआरपी पुलिस मिलकर उसको बाद में न्यूट्रलाइज किया था, उसमें ये बनाया भी था। इसका बहुत बड़ा मंशा था, बहुत बड़ा इंसिडेंट करने का। पुलिस आर्मी सीआरपीएफ के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं तो मानता हूँ कि इस साल का रियाज नाकू के बाद दूसरा सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसको हम लोग ज्वाइंटली मिलकर न्यूट्रलाइज कर पाए, और आगे हम लोग ज्वाइंटली इसी ढंग से बहुत कोऑर्डिनेट वे में सिनर्जी के साथ काम करते रहेंगे, और जो कामयाबी प्राप्त करेंगे आप लोगों से मौके मौके आके शेयर करते रहेंगे। और उसमें दो और मिलिटेंट जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, हम लोग कुछ लोगों का कहना है कि ये लोकल हो सकता है, हम लोग उनके पेरेंट्स से, जो पोटेंशियल पेरेंट्स से, उनको रिक्वेस्ट किए कि पीसीआर में आके अगर देखें, अगर वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनको हम लोग उनके बीडीएल में जो बारबुला में हम लोग करने जा रहे हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। अगर आइडेंटिफाई नहीं होता है तो भी उसको, तीनों को हम लोग बारबुला डिस्ट्रिक्ट में उसको लास्ट राइड कराएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने कराएंगे। उनका डीएनए हो रहा है, पोस्टमार्टम भी हो जाएगा उसका। और इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हमारे दो सीनियर कलीग्स हैं, क्वेश्चन लेंगे। जो कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है वो भी आईटी एक्सपर्ट है। इसके अलावा एक और मिलिटेंट है पाकिस्तान के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लंबू भाई के नाम से फेमस है, सेफ इट प्लस है, जैश मोहम्मद का पाकिस्तानी है, वो भी एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं कि एक को मार दिया हम लोग, ये इंसिडेंट खत्म हो गया, अभी और संभावना है, इसके पास और आईडी है। आज सीआरपी आर्मी पुलिस ने मिलकर अनंतनाग में 35 केजी एक्सप्लोसिव रिकवर किया है, उस आदमी को भी अरेस्ट किया है। तो इंसिडेंट होने का और संभावना है, हम लोग लगे हैं इन्फॉर्मेशन को जनरेट करके उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। उसमें फौजी भाई उस टाइम यहाँ पर था, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव मिलिटेंट था, लेकिन उनका स्टेटस उतना बड़ा नहीं था, ये उसमें पार्टिसिपेट किया नहीं किया है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उस टाइम जैश मोहम्मद में था और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव था। देखिए आईडी एक्सपर्ट दो हमारे यहाँ है, एक वलीद भाई है और दूसरा है लंबू है, जो पाकिस्तानी दोनों है। उसके अलावा जो जैश का चीफ है, जो अब्दुल्ला राशिद गाजी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अभी खिरू के ऊपर है, एरिया में है, नीचे नहीं आ रहा है, हम लोग उसके पीछे पड़े हैं। जैश तो ऐसा तंजीम है जो अपने चीफ को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करता है, लेकिन हम लोग को अपना जो सोर्सेस है फील्ड में उसके हिसाब से पता
कि अब्दुल्ला रशीद गाजी इसके चीफ हैं और उसको हम लोग पीछे पड़े हैं, उसको जब नीचे आएगा न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, हो सकता है हम लोग ऊपर भी जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर लें। लेकिन E-75 को अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा कम है, लेकिन कमांडर्स का जो नंबर है बहुत ज़्यादा है। पहला बार हिस्ट्री में हुआ है कि LET का चीफ मारा गया हैदर हंदवारा एनकाउंटर में, JS का 25 जनवरी को मारा गया था कारी यासिर चीफ मारा गया, उसके बाद HM का चीफ मारा गया, AGS का चीफ बुरहान कोका मारा गया, और जो पोस्टर बॉय था जुनेद सहराई मारा गया, उसके बाद आज जो देख रहे हैं जो IT एक्सपर्ट था मारा गया। तो अगर हम लोग कमांडर के हिसाब से कंपेयर करें तो अचीवमेंट इस साल ज़्यादा मिल रहा है मुझे। जम्मू कश्मीर में पब्लिक का, आवाम का, सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस को हरदम मिला है। कुछ परसेंट 5-6% है जो सपोर्ट नहीं करते, पत्थर मारते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उसके प्रति भी चूंकि कोविड आ गया कि हम लोग यूथ एंगेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग खुद जानते हैं इसका कुछ।